हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकोफिल कैप्सूल्स के बारे में। ये कैप्सूल डॉक्टर पेशेंट को किन कंडीशन में प्रस्क्राइब करते हैं, इसके क्या यूज़ हैं, डोज हैं, क्या वर्क, क्या साइड इफ़ेक्ट्स और क्या प्रकॉशंस हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ब्रोंकोफिल जो कैप्सूल्स हैं, ये लीफूड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं और इसकी जो एक स्ट्रिप में आपको 10 कैप्सूल्स मिल जाएंगे, जिनकी पैकिंग कुछ इस तरह से है। और इसके 10 कैप्सूल्स का जो प्राइस है, ये आपको 92 रुपीस में मिल जाएंगे। और इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें असीब्रोफाइलिन जो कि 100 mg इसमें ऐड किया गया है। फर्स्टली दोस्तों, हम जानते हैं इसमें जो सीब्रोफाइलिन पाया गया है वो क्या वर्क करता है। ये माइकोलाइटिक एंड ब्रोंकोडायलेट्रिक ड्रग है जो कि एयरवेज मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती हैं और ये म्यूकस को थिन और लूज बनाकर ईजली कफ के साथ बाहर आउट करने में हेल्प करती हैं, जिससे जो पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में जो डिफ़िकल्टी नहीं होती वो ईजली ब्रीथिंग ले पाता है। अब जानते हैं दोस्तों, इस कैप्सूल्स के क्या यूजेस हैं, जी किन कंडीशन में यूज़ की जाती है। फर्स्टली दोस्तों, इन कैप्सूल का यूज़ ब्रोंकाइटिस डिसीज़ में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्रोंकस में जो सांस नली होती है, उनकी जो ट्यूब्स होती हैं ब्रोंकाइस की, उसमें स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। जब ये स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हवा जो अंदर भी नहीं जा सकती, ना ही बाहर जा सकती है। तो उस कंडीशन में ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में भी इससे जो कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। सेकंड दोस्तों, इसका यूज़ COPD प्रॉब्लम में किया जाता है, मीनिंग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में। इसमें भी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और उसके लंग्स मीनिंग फेफड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है। थर्ड दोस्तों, इन कैप्सूल का यूज अस्थमा में किया जाता है, मीनिंग दमा में। और अगर पेशेंट के लंग्स में इरिटेशन हो रही है या फिर कोई प्रेशर पड़ रहा है, जकड़न हो गई है या सूजन हो गई है लंग्स में, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर ये कैप्सूल पेशेंट को प्रस्क्राइब करते हैं। और इनका यूज़ कॉमन कोल्ड और जो म्यूकस वाली कफ होती है, मीनिंग जब म्यूकस है वो लंग्स तक पहुंच जाता है, तो उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए भी इस जो कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों, इन कैप्सूल्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पेशेंट में क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे पेशेंट को नौजिया फील होता है, मीनिंग उसको मतली आ सकती है, सिर दर्द या फिर उल्टी, दस्त लग सकते हैं और उसकी जो हर्ट रेट है वो भी हाई हो सकती है, और थकान होती है या फिर पेट दर्द या फिर पेट में गैस बन सकती है। दोस्तों, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये किसी किसी पेशेंट में ही देखने को मिलते हैं। और इसकी डोज की बात करें तो दोस्तों, इन जो ये जो सीब्रोफाइलिन कैप्सूल 100 mg के हैं, इसकी डोज अडल्ट में 2 कैप्सूल्स रहते हैं, आपको सुबह और शाम को लेना होता है। जो 200 mg के कैप्सूल होते हैं सीब्रोफाइलिन के, उनकी डोज 1 कैप्सूल रहता है। और दोस्तों, इन कैप्सूल को अपने डॉक्टर की एडवाइस से यूज़ करें, जितना कोर्स आपके डॉक्टर बताते हैं उतना ही करें। COPD में एंड जो अस्थमा है उसमें इसका कोर्स है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। अब जानते हैं दोस्तों, इन कैप्सूल्स की क्या प्रकॉशंस हैं, ये कैप्सूल लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो उस कंडीशन में इनका यूज़ ना करें। और अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या फिर आपको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर को जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताकर ही फिर इन कैप्सूल का यूज़ करें। और अगर आप कोई और भी कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं जैसे ब्रोंकोडायलेटर की या फिर डेरीफाइलिन जैसी ड्रग्स, तो भी अपने डॉक्टर को बताकर ही फिर इन कैप्सूल का यूज़ करें। तो दोस्तों, ये तो थी ब्रोंकोफिल कैप्सूल के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।